आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ पटना के डाक बंगला में बने दुर्गा माँ के पंडाल में पहुंचे हैं। जी हाँ, तस्वीरें सामने आई है जहां पर माँ दुर्गा के भव्य पंडाल में लालू यादव पहुंचे हुए हैं। इस दौरान लालू ने मीडिया कर्मियों से भी बात की। क्या कुछ कहा है लालू यादव ने, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। माता के दर्शन के लिए आम पब्लिक के साथ आप लोग भी शामिल होंगे, क्या कहेंगे बिहार वासियों को? बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामना में माँ भगवती शांति दे, अमन। देश के लिए क्या कहेंगे सर? सब जगह भारत भैया सुना आपने लालू प्रसाद यादव को, उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है पूरे बिहार और समस्त भारत को। पटना का जो डाक बंगला चौराहा होता है काफी नामी है, वहां पर एक मुख्य आकर्षण है पूरे पटना का। वहाँ पर जो पंडाल बनाया जाता है काफ़ी भव्य पंडाल होता है और उसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। पटना के वासी तो पहुँचते ही हैं, पटना से बाहर के भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है, अष्टमी नौमी दसमी तीनों दिन काफ़ी भीड़ रहती है और इसी डाक बंगला चौराहे पर बने पंडाल को देखने आम लोगों के साथ आज लालू प्रसाद यादव भी पहुँचे। लालू प्रसाद दुर्गा माँ का उन्होंने दर्शन किया अपनी बेटी मीसा भारती के साथ और उसके बाद वहाँ से निकल गए। लालू को देखने और भी भीड़ ज़्यादा वहाँ जुट गई। एक तो पहले से ही वहाँ भीड़ थी माँ दुर्गा को देखने के लिए, माँ दुर्गा के दर्शन के लिए, पंडाल को देखने के लिए, और ऐसे में लालू प्रसाद भी वहाँ पहुँच गए तो एक और आकर्षण वहाँ पर बढ़ गया। एक लोगों की भारी भीड़ वहाँ पर देखी गई। किसी तरह प्रशासन ने बहुत कसमकस के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद लालू को वहाँ से निकाला और लालू यादव वहाँ से निकल गए बेटी मीसा भारती के साथ। तो पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज़।